हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। ध्यान से सुनिएगा, दो फेज हैं, एक गैस एक वेपर। तो हम अलग अलग डेफिनेशन क्यों बोल रहे हैं? तो फर्स्ट, डू नॉट हैव इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज, यानी गैस और लिक्विड में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा रूम कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे। जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? रूम टेम्परेचर से काफी कम है बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल H2O2, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फ्लोरीन एक्सेस्ट्रा, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इवन जैसे हीलियम का तो माइनस आपके पास पहुंच जाएगा -181 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मेल्टिंग की नहीं, तो इतना कम है। दूसरी तरफ वेपर, वेपर क्या होता है? हैव इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेस, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता, सॉरी उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी तो हमारे पास रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है H2O, एल्कोहल, पेट्रोल, ऑयल। इनके लिए आप क्या बोलोगे? वेपर टर्म बोलोगे, बनने वाली। पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल गैस नहीं बोलोगे, पेट्रोल वेपर बोलोगे, ज्यादा सही रहेगा। समझ में आ गया बात? तो अंतर क्या है कि यहां हमारे लिए वेपर है और ये हमारे लिए गैस है, कोई डाउट नहीं है? अच्छे समझ में आ गया? तो ये चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। पेट्रोल गैस नहीं बोलेंगे आप, पेट्रोल के लिए वेपर वर्ड अच्छा है क्योंकि वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम रखता है। समझ में आ रहा है? जो लिक्विड से बन जाए, यानी आप ऐसे समझिए कि रूम टेम्परेचर पे ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट गेन कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनसे बनने वाली गैस को फिर गैस नहीं बोल के हम वेपर टर्म यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये लिक्विड नहीं, सॉलिड भी हो सकता था, सॉलिड गेन भी कर लेते हैं। आज समझना, वाटर कैसे स्टेट में दिखेगा रूम टेम्परेचर में? लिक्विड। तो उससे बनने वाली गैस को फिर गैस नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? वेपर। लेकिन H2 रूम टेम्परेचर पे क्या रखता है? H2 ही रहता है, गैस ही रहता है, लिक्विड बनता है क्या? नहीं। तो बस ये है फर्क। तो इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा, ये पी प्रोपोर्शनल 1/V को फॉलो करती है, आइडियल की तरह रहती है, जबकि इनमें ऐसा कोई रूल नहीं लगता। पी प्रोपोर्शनल 1/V, ऐसा कोई रूल नहीं लगता, काट दो इसको लिख के। हो सकता है आप प्रेशर बढ़ाओ और वो अपना स्टेट ही चेंज कर ले, तो स्टेट चेंज करते ही सारे रूल खत्म। इज दैट क्लियर? तो यहां आपके पास बकायदा इनके बीच में कर्व आता है, पी और वी के बीच में, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है।